मेरे नज पम्मट कण वेर मुनि सिखा पदिंग समाधियामी तुरा मेरे नज पम्मट कण वेर मुनि सिखा पदिंग। जहाँ तक कथा नंबर 27, जहाँ तक कथाएं जितनी भी चलती हैं वो नंबर से चलती हैं क्योंकि पहचानी जा सके। 27 नंबर की जो कथा है वो अगर आप भिंड शहर को जानते हैं पंजाब में भिंड, तो आपको अच्छी याद रहेगी, क्योंकि भिंड में अगर ए लगा देंगे तो फिर अभिंड हो जाएगा। भिंड का मतलब होता है संस्कृत भाषा में भिन्न, यानी कि जो बिल्कुल अलग तरह से हो। और अगर आप अभिंड लगा दें या अभिन्न लगा दें तो अभिन्न का मतलब जो लगातार चल रहा है और जुड़ा हुआ है। भिन्न का मतलब अलग नहीं है, भिन्न का मतलब होता है अलग, और अभिन्न का मतलब है जो अलग नहीं है। तो ये जो जातक कथा है ये है अभिन्न जातक, यानी अभिंड जातक, अभिंड या अभिन्न जातक 27 नंबर की। ये जातक कथा बहुत ज्यादा अच्छी कहानी है, छोटी सी कहानी है। बेसिकली ये एक मांगलिक नाम के हत्ती की और हाथी की, हत्ती बोलते थे उस समय, हाथी बाद में कहने लगे, मांगलिक नाम के हाथी की कहानी है। और एक कुकुर है, कुकुर का मतलब जो कुत्ता होता है उसको कुकुर बोलते हैं। एक राजा के हत्तीशाला में, हत्तीशाला मतलब जहां हाथी रहते थे, हत्तीशाला के अंदर एक उसका हाथी था जिसका नाम था मांगलिक हाथी। मांगलिक हाथी रोज अपना काम करता था, राजा को घुमाता था, और हत्तीशाला में आके उसको खाना मिलता था। खाने में जो चावल वगैरह, गेहूं वगैरह या जो चना वगैरह मिलता था वो खाते समय उसके मुंह से गिर जाता था, क्योंकि उसकी सूंड बहुत मोटी होती है और कुछ दाने वो नहीं उठा पाता या उसमें टाइम लगता है। तो हत्तीशाला में एक कुत्ता आ गया और कुत्ता जमीन पर पड़े हुए जो दाने होते थे, भोजन होता था, उसको खा लेता था। कुत्ते को वहां आराम से भोजन मिलने लगा। हाथी ने उसकी उपस्थिति देखी और देखने के बाद उसको इग्नोर कर दिया। एक दिन इग्नोर किया, एक दिन उपेक्षा की उसकी, दूसरे दिन की, फिर उसको वो आदत में आने लगा और धीरे धीरे वो उससे हिलमिल गया। अब इतना ज्यादा वो उससे हिलमिल गया हाथी, और कुत्ता भी हाथी से हिलमिल गया, कि ना तो कुत्ता यानी कुकुर जो है वो हत्ती से घबराता था और ना ही हत्ती कुकुर से घबराता था। दोनों में दोस्ती होने लगी, दोस्ती गहरी होने लगी। तो कुकुर खाना खाने के बाद और हाथी खाना खाने के बाद खाना पचाते समय थोड़ी मस्ती भी कर लिया करते थे, एक दूसरे को खेलते थे। हाथी अपनी सूंड में उठाकर उसको ऊपर का दर्शन कराता था, कभी उसको ऊपर ले गया, कभी बैठा दिया, कभी नीचे, और जो कुकुर था वो भी उसके चारों तरफ पैरों तरफ घूम के उससे खेला करता था। दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हो गई, अभिन्न हो गई। अभिन्न का मतलब है निरंतर हो गई, लगातार हो गई, बिना अलग हुए हो गई, अभिन्न हो गई। ये जो अभिन्न दोस्ती हुई ये बहुत ज्यादा प्यार में और राग में और बदल गई, राग बहुत ज्यादा हो गया। एक बार वो कुत्ता किसी ने देखा और उसको कुत्ता पसंद आया, कुत्ते को वो वहां से उठाकर ले गया, जो व्यक्ति कुत्ते को ले गया। अब हत्ती की जो हालत थी उसकी हालत खराब होने लगी। जब तक वो कुकुर या कुत्ता रोज आता था तब तक तो ठीक था, जब उसे अगले दिन कुत्ता और कुकुर नहीं मिला तो वो बेचैन हो गया। इतना ज्यादा बेचैन हुआ उसके राग में, उसके प्यार में, उसके मोह में, कि उसने खाना छोड़ दिया। खाना छोड़ दिया तो जो वहां का फीलवान था, फीलवान जो बोलते हैं वो महावत को बोलते हैं, हाथी को जो पालता है उसको बोलते हैं फीलवान, यानी कि जो महावत था वो घबरा गया। उसने राजा को खबर दी कि मांगलिक हत्ती ने खाना पीना छोड़ दिया है। राजा को बहुत चिंता हुई, क्योंकि राजा को भी वो हाथी बहुत प्यारा था, उससे बहुत ज्यादा लगाव था। राजा ने अपने आमत्य को, जो आमत्य था, आमत्य का मतलब जो उसका मंत्री था, उसको कहा कि जरा देखो क्या मामला है। आमत्य ने वैद्य बुलाए, वैद्यों ने वो सारा चेक किया, जो राजवैद्य आए, राजवैद्यों ने चेक करने के बाद कहा कि शरीर के रूप से ये बिल्कुल ठीक है, मगर मानसिक रूप से ये बीमार लगता है, लगता है कि इसे मानसिक समस्या कुछ हुई है। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और पाया कि एक कुत्ता रोज आता था जो अब नहीं आता। उन्होंने अंदाजा लगाया कि शायद कुत्ता इसके मोह का पास का कारण है, इसके राग का कारण है, इसकी बीमारी का कारण है। उन्होंने मुनादी कराई कि इस तरह का कुत्ता है, जिस भी आदमी के पास अगर वो पाया गया तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा अगर वो कुत्ता दिखाई दिया। उस व्यक्ति ने उस कुत्ते को डर के मारे छोड़ दिया और कुत्ता सीधा भागता हुआ हत्ती के पास आया, और हत्ती बड़ा खुश हुआ, दोनों बहुत खेले, और खेलने के बाद उसने खाना खाया, ग्रास खाया, घास खाई, और जो दाने उसे मिलते थे वो भी खाई, दोनों खुश हो गए, कहानी समाप्त हो गई। मगर पंच तत्व यानी कि जो पंचशील के तत्व हैं वो यहां से आरंभ होते हैं। कहानी का जो मॉरल है, कहानी का जो ऑब्जेक्ट है, जो उद्देश्य है, कहानी जो बताती है
वो ये है बताती है कि किसी व्यक्ति के अंदर राग शुरू से नहीं होता, क्रेविंग शुरू से नहीं होती, लगाव शुरू से नहीं होता, मोह शुरू से नहीं होता। जो मोह और लगाव बनता है वो पहली बार बनने में हल्का सा एक छोटा सा लकीर बनती है, जो ऐसी लकीर होती है जैसे रेत पर बनी हुई लकीर, समुद्र का पानी आएगा और वो उसको बार बार मिटा देगा। मगर अगर लगातार मिलता रहता है तो राग की लकीर, उसके प्यार की लकीर वो बढ़ती चली जाती है और वो लकीर ऐसी हो जाती है जैसे मिट्टी पे बनी हुई लकीर जो कुछ समय तक रहती है। उसके बाद अगर लगातार मिलते रहें और उनका स्वभाव एक दूसरे को पसंद आ जाए, व्यवहार एक दूसरे को पसंद आ जाए, तो वो राग गहरा होता चला जाता है, क्रेविंग गहरी होती चली जाती है और फिर वो लकीर ऐसी होती है जैसे पत्थर पे बनाई हुई कोई लकीर जो बहुत गहरी होती है और मौसम के प्रभाव से, बारिश से या हवा से नहीं वो मिटती है या बहुत धीरे धीरे मिटती है। हाथी को और कुत्ते को आपस में ऐसा ही लगाव हो गया जो उनके दुख का कारण बना, जो उनके देश का कारण बना। इसलिए जितना भी राग होता है, जितना भी मोह होता है, वो बाद में जाके द्वेष में, देश में, दुख में बदल जाता है। ऐसा भगवान बुद्ध ने, ऐसा तथागत बुद्ध ने, ऐसा वेदांत गुरु ने, ऐसा वेदांत पारगु ने, ऐसा लोकाधिपति ने बताया, समझाया तथागत ने, और उसका एग्जाम्पल इस कहानी में बहुत आसानी से होता है। आप जीव रोजमर्रा के जीवन में देखेंगे कि जिस घर में आप रहते हैं उस घर से भी लगाव हो जाता है, उससे प्यार हो जाता है, उसको छोड़ते समय भी दुख का एहसास होता है, क्योंकि जब राग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर दुख होता है। छोटे बच्चे को अपने खिलौने से राग हो जाता है, जबकि खिलौना उसके पास नहीं होता तब राग नहीं होता, मगर खिलौना लगातार रहता है तो राग हो जाता है। माँ को बच्चे से राग हो जाता है जो बाद में द्वेष का कारण बनता है। ये एक छोटी सी कहानी का बहुत बड़ा संदेश है, जिसको जो भांडक या भंडारक या भाड़क होते थे वो सारे के सारे जगह जगह जाके बताया करते थे। उनका यही काम था। जातक कथाएं धम्म को फैलाने में बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाती हैं, बहुत ज्यादा अच्छा रोल करती हैं, क्योंकि साधारण व्यक्ति को और बच्चों को ये कहानियां बहुत लंबे समय तक याद रहती है, क्योंकि ये सरल होती हैं। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको आप शेयर करें, इसको आगे बढ़ाएं, बच्चों को सुनाएं। आप इसको मॉडर्न कहानी भी बना सकते हैं, बनानी चाहिए। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदल कर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Mm-hmm.
गच्छामि। भूतयम्पि भूतं शरणं गच्छामि। भूतयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। भूतयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। भूतयम्पि संघं शरणं गच्छामि। गच्छामि।